इस सवालों में ना न्यूनतम और उच्चतम मान आपको निकालना है, तो सुनो पहले ध्यान से क्या करोगे। पहला हे बाबू बलराम, देखो पहला ना वही दो मान आपके पास दे दिया है, ऑलरेडी पहले दे चुका है। अब इसको क्या करेंगे, जो विधि आप अपना रहे थे, एक बार अवकलन करेंगे, फिर डबल अवकलन करेंगे, फिर एक्स का मान निकालेंगे, तो वहाँ से भी एक्स का मान आएगा। समझ रहे बात को, क्या करें, वहाँ से भी एक्स का मान आएगा। अब ये दो को ही मान आएगा, वो मान रखिएगा, जितना मान आएगा सब इसमें रखिएगा, इसमें, ठीक है। और रखने के बाद जो सबसे बड़ा मान आएगा उसको आप क्या कहेंगे, जो सबसे बड़ा मान आएगा उसको हम न्यूनतम कह देंगे, और जो छोटा मान आएगा, सबसे बड़ा मान आएगा उसको हम लोग अधिकतम कह देंगे, और जो छोटा मान आएगा उसको न्यूनतम कह देंगे। माने कहने का मतलब है कि सब मान को इसमें रखना पड़ेगा। सुनो पहले क्या करेंगे, अवकलन करो इसको, ऑलरेडी पहले मान दे चुका है, कहा गया प्लस एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर, पुनः अवकलन करो, एफ डबल डैश एक्स बराबर छः एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स के मान के लिए, एक्स के मान कितना होगा, आई डबल डैश की जरूरत भी नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, तो एफ एक्स बराबर का जीरो, तो रख दो तीन एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर जीरो बटा तीन, तो एक्स बराबर जीरो, सब जीरो हो जाएगा, कर्णी में जीरो, तो एक्स बराबर का आ जाएगा जीरो। देख लो ध्यान से, एक्स बराबर कितना आ गया, जीरो। अब एक्स का मान आपके पास कितना मौजूद हो गया, तीन, डबल की कोई जरूरत नहीं है बाबू, एक बार ही अवकलन करेंगे। तो अब देखो यहाँ से यही को समझ लो, तो एक बार एक्स बराबर जीरो कौन लेंगे, हमेशा यही लिया जाता है, तो या फिर जीरो बराबर जीरो को पत्ती, देखो जब भी बिंदु दिया होगा एक ही बार अवकलन करना है, कि जरूरत नहीं है कोई जीरो वाले। अब माने दो रखो, माने दो को पत्ती तो माने साठ, एक बार क्या रखो दो रखो तो दो का पत्ती बस, तो बताओ न्यूनतम मान कितना होगा, माइनस आठ, उच्चतम मान आठ हो गया, ठीक बस, समझे बात को। माने इसमें डबल की कोई जरूरत नहीं होगी, जब भी बिंदु दिया होता है तो एक बार इसको अवकलन कराओ, अवकलन करने पर तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे एक्स के मान के लिए, एक्स के मान के तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर जीरो रख दो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर जीरो, चलो माइनस साइन एक्स सही रखो, इधर लेके जाओ माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कैन से साइन एक्स भट्टा में कर दो कॉस एक्स बराबर एक लिखिएगा, जीरो मत लिखिएगा, तभी ना गुणा होगा तो फिर इतना आएगा भाई, टेन एक्स हो जाएगा बराबर एक, टेन एक्स बराबर कि एक किसका होता है, टेन पैंतालीस का होता है ना पाई बाई फोर, टेन एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई फोर। अब आपको क्या करना है ना, तीनों बिंदु पर निकालो एक बार आप अधिक हाई मेन होगा जो समीकरण आपके दिया गया ये वाला है, तो एक बार क्या रखेंगे, एफ जीरो रख लो सब लोग, तो साइन जीरो प्लस कास जीरो, साइन जीरो का माने एक, कास जीरो का माने एक, तो कितना आ जाएगा दो, नहीं नहीं इसका जीरो होता है एक हो जाएगा, फिर अब एक पाई रख लो, एफ पाई तो साइन पाई प्लस कास पाई, साइन एक सौ अस्सी का मान जीरो, कॉस एक सौ अस्सी का मान माइनस एक, तो माइनस एक आ जाएगा। उसके बाद से एफ लिख लो पाई बाई फोर, तो एक लिख लो साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर, तो साइन पैंतालीस के माने एक बड़े कर्णी में दो, इसका भी एक बड़े कर्णी में दो, कर्णी में दो बड़ा एक या दो हो जाएगा, परिवीकरण कर दो कर्णी में दो बटा कर्णी में दो से, तो दो कर्णी में दो नीचे से दो, दो से दो कैसे कर्णी में दो, इसका मान एक दशमलव चार एक चार होता। अब तुम लोग बताओ मिलजुल कर न्यूनतम मान कितना लिखेंगे, न्यूनतम मान कितना होगा, माइनस एक, अधिकतम मान कर्णी में दो लिख लो, कर्णी में बाकी इसमें लगा लोगे तुम लोग, बोलो लगा लेंगे, चलो बाकी आपको हम कल से छुआ से पूरा बताएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब कल से आप लोग सेकेंड किताब भी लेकर आइएगा, समाकलन शुरू किया जाएगा, ठीक है।